हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पावरफुल फिजिक्स में। आज हम रे ऑप्टिक्स का ही एक अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट प्रिज्म, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले कि प्रिज्म क्या है, तो इसकी परिभाषा आप इस तरीके से बना सकते हो कि किसी कोण पर झुकी हुई दो समतल अपवर्तक पृष्ठों से घिरा हुआ माध्यम क्या कहलाता है? प्रिज्म। तो एक ऐसा मीडियम जो अपवर्तक पृष्ठों से घिरा हुआ हो और जब भी इस पर प्रकाश की किरण आपतित हो तो उसका क्या होना चाहिए? अपवर्तन। तो ऐसा कोई माध्यम यहाँ कहलाता है प्रिज्म। अब इन दो समतल अपवर्तक पृष्ठों के मध्य जो कोण बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा है यहाँ, इसे आप कहोगे यहाँ पर प्रिज्म कोण, प्रिज्म कोण। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई इससे जो अपवर्तन की प्रोसीजर है वो किस प्रकार से होती है। तो ये एक प्रकाश की किरण आप यहाँ प्रिज्म पर आपतित कर रहे हो, इसे हम नाम दे देते हैं पी क्यू। अब ये प्रकाश की किरण, इसका जो मार्ग है यानी इसको जाना चाहिए इस प्रकार से सीधा, ये इसका पथ है, तो इसे तो हम बोलेंगे यहाँ निर्गत किरण। लेकिन जैसे ही ये प्रकाश की किरण यहाँ विरल से सघन माध्यम में इंटर होती है, ये यहाँ अभिलंब की ओर झुकेगी। अब इसे फिर से सीधा जाना चाहिए, लेकिन ये वापस सघन से विरल में जाती है, तो ये अभिलंब से दूर हटती है। तो ये एक किरण का पथ आपने बना दिया पी क्यू आर एस। तो जनरली यहाँ एक परिभाषा ये बन सकती है कि जो किरण ये दो जगह अपवर्तित होकर बाहर निकलती है तो ये तो यहां कहलाएगी अपवर्तित किरण, और ये निर्गत किरण जो किरण का पथ था कि किरण को ऐसा जाना चाहिए था। तो इन दोनों के बीच में आपको एक एंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा, इसे आप बोलते हो डेल, विचलन कोण। तो ये पॉइंट प्रिज्म का आपके प्रैक्टिकल में भी है, और जनरली आपसे वहां विचलन कोण के लिए जरूर, क्योंकि इसमें हर पॉइंट यानी हर एक अलग अलग आपतन कोण के लिए आप वहाँ विचलन कोण का मान ज्ञात करते हो। तो विचलन कोण क्या है? तो प्रिज्म से अपवर्तित किरण और प्रिज्म से निर्गत किरण के बीच में जो भी कोण बनता है उसी कोण को आप बोलते हो विचलन कोण। और किसी कोण पर झुकी हुई दो समतल अपवर्तक पृष्ठों के बीच में जो कोण बनता है वो होता है प्रिज्म कोण। और यहाँ अब तीसरा पॉइंट, जिस पदार्थ का ये प्रिज्म बना हुआ है उसका अपवर्तनांक। तो आपको यहाँ एक बड़ा क्वेश्चन, चार नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन और एनसीईआरटी की सबसे बड़ी चॉइस ये प्रिज्म रहता है। तो आपको एक बड़ा क्वेश्चन यहाँ विचलन कोण, प्रिज्म कोण और प्रिज्म का जो ये पदार्थ है इसके अपवर्तनांक के बीच में आपको एक रिलेशन पूछा जाता है। तो इसी डायग्राम को हम काम में ले सकते हैं। वापस देखते हैं कि जैसे आपने दिखाया है कि पी क्यू एक प्रकाश की किरण प्रिज्म पर आपतित हो रही है, लेकिन यहाँ पर आपने कहीं भी आपतन कोण और इनका मान नहीं दर्शाया है। तो आपतन कोण दर्शाने के लिए आपको यहाँ पर अभिलंब मानना पड़ेगा। तो किसी भी पृष्ठ पर 90 डिग्री का कोण बनाती हुई अगर कोई रेखा आप खींचते हो तो ये यहाँ पर माना जाएगा अभिलंब। तो ये आपतित किरण है और ये आपतित किरण यहाँ अभिलंब से जो कोण बनाएगी वो आ जाएगा आपतन कोण आई वन। जैसा कि आपने माना है कि विरल से सघन में अभिलंब की ओर झुकेगी और किरण आपको अभिलंब की ओर झुकती हुई भी दिखाई दे रही होगी, तो इस बार ये अपवर्तित किरण अभिलंब से जो कोण बनाएगी वो कहलाएगा अपवर्तन कोण आर वन। तो ये एक तरफ आपतन कोण भी आ गया और अपवर्तन कोण भी आ गया। अब प्रकाश की किरण वापस सघन से विरल में जा रही है, तो यहाँ आपको फिर से अभिलंब की कंडीशन दिखानी होगी और किसी भी पृष्ठ पर 90 डिग्री का कोण बनाती हुई अगर कोई लाइन खींचते हो तो ये यहाँ अभिलंब है। अब कंडीशन ये है कि प्रिज्म के अंदर आपतन कोण की कंडीशन बन रही है, जबकि आपतन कोण आप प्रैक्टिकल के अकॉर्डिंग भी यहाँ चेंज करके लोगे। तो आपने यहाँ पर ऐसा किया है कि ये जो बाहर निकलती हुई किरण है
अगर मान लिया जाए कि पी क्यू आर एस को अगर इधर से इंटर करवाया जाए तो आपको ये का ये पथ वापस प्राप्त होगा, इसलिए आपने बाहर की तरफ आपतन मान लिया और अंदर की ओर आर टू आपने अपवर्तन कोण मान लिया। तो इस प्रकार से पी क्यू अपवर्तित हुई, आर एस, आर एस फिर अपवर्तित हुई क्यू आर, और अपवर्तित होने के बाद में लास्ट में बन गई ये आर एस। तो अगर इस किरण के मार्ग को यानी समान आपतन अगर यहाँ पर लगाया जाए तो ये का यही पता आपको फिर से प्राप्त हो जाएगा। अब ये दोनों अभिलंब जिस बिंदु को काटते हैं वहाँ पर आप अगर एक पॉइंट मान लेते हो कैपिटल टी, तो यहाँ अब हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ एक त्रिभुज बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा, ये आ गया क्यू, ये आ गया आर और ये आ गया टी। तो सबसे पहले आप यहाँ लिखोगे त्रिभुज क्यू टी आर से, और आप अच्छी तरह जानते हो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग है वो होता है 180 डिग्री। तो दो कोण आपको डायग्राम में दिखाई दे रहे होंगे आर वन आर टू, तीसरा कोण जो आपको ये वाला दर्शाना है ये टी पर बना हुआ है, तो आप यहाँ लिखोगे क्यू टी आर, और त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग है वो आ जाएगा 180 डिग्री। यह आ गई समीकरण एक। फिर अगर यहाँ से पॉइंट जोड़ा जाए तो यहाँ आपको एक चतुर्भुज दिखाई दे रहा होगा ए क्यू टी आर कंप्लीटली, तो आप यहाँ लिखोगे चतुर्भुज ए क्यू टी आर से, और आप अच्छी तरह जानते हो कि चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योग है वो होता है 360 डिग्री। तो एक कोण तो आपको प्रिज्म कोण बनता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है, बाकी के जो कोण है वो यहाँ अभिलंब के द्वारा जो पृष्ठ पर बनाए गए कोण है वही कोण आपको काउंट करने हैं। मैं आपको अलग से फिर यह दिखा देता हूँ, ये ए आ गया, ये क्यू आ गया, ये टी आ गया, यहाँ इस कोण की बात चल रही है जो 90 डिग्री का भी है। तो इन कोणों को आप अब की बार इस तरीके से लिखोगे ए क्यू टी, ये कोण आ गया, फिर आप लिखोगे क्यू टी आर, ये कोण आ गया, और फिर आप लिखोगे टी आर ए, ये कोण आ गया। तो ये टोटल योग आ जाएगा यहाँ 360 डिग्री का। अब इनमें से जो दो कोण हैं वो अभिलंब के द्वारा किसी पृष्ठ पर बनाए गए कोण हैं जो 90-90 डिग्री के हैं। तो अगर कोण ए क्यू टी और कोण टी आर ए अगर ये दोनों ही 90-90 के हैं, यानी अभिलंब के द्वारा किसी पृष्ठ पर बनाए गए कोण हैं, तो 90 का ये हटा दीजिए और 90 का ये, तो टोटल यहाँ 180 हट गए। तो बचे हुए जो दोनों कोण हैं अब इनका योग यानी कोण ए और कोण क्यू टी आर, इनका योग यहाँ बचेगा 180 डिग्री। तो समीकरण एक में जो तीन कोण आपके सामने थे इनका योग भी 180 है, और समीकरण दो में जो दो कोण हैं इनका योग भी 180 है। तो दोनों को आप इक्वल कर लो तो मान आएगा कोण ए और कोण क्यू टी आर का जो मान है वो कोण आर वन, कोण आर टू और कोण क्यू टी आर के बराबर है। क्यू टी आर से क्यू टी आर यहाँ कैंसिल, तो मान आ जाएगा कोण ए का मान कोण आर वन प्लस कोण आर टू के योग के बराबर है। समीकरण नंबर तीन। तो प्रिज्म के डेरिवेशन का ये तो एक पहला पार्ट है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो एक तो आप यहाँ देख सकते हो। अब दूसरा जो पार्ट है कि इस किरण को जाना चाहिए था सीधा, अपवर्तित हो गई, अब इस किरण को जाना चाहिए था सीधा लेकिन ये फिर अपवर्तित हो गई। तो अगर दोनों जगह का अपवर्तन निकाला जाए तो वो दोनों जगह का जो अपवर्तन है वो यहाँ आपके सामने है। पहला अपवर्तन यानी अपवर्तन कोण यहाँ है, तो टोटल विचलन की बात करें तो पहले किरण यहाँ विचलित हुई और दूसरी बार इसे सीधा जाना चाहिए था, अपवर्तित तो हो गई यहाँ, लेकिन अगर विचलन देखा जाए तो ये पॉइंट आएगा। तो ये दोनों आपको जो रेड पोर्शन दिखाई दे रहे हैं ये यहाँ पर है इस किरण के विचलन कोण, और बाहर की तरफ टोटल विचलन देखना हो तो आपने ये प्रमेय पढ़ रखी है कि किसी भी त्रिभुज के अंतराभिमुख कोणों का योग है वो बहिष्कोण के बराबर होता है। और अलग से भी अगर आप देखना चाहो तो आपने ऐसा पढ़ रखा है कि
कि प्रकाश की किरण या आपतित हुई से जाना चाहिए था सीधा, तो ये मान आई होगा तो ये भी कम्प्लीटली आई होगा शीर्षाभिमुख। लेकिन ये प्रकाश की किरण अगर अपवर्तित होकर निकलती है तो ये कोण आएगा यहाँ पर आर। तो यहाँ किरण विचलित कितनी हुई, तो आपको क्या करना है, आपतन में से अपवर्तन को घटाना है, टोटल विचलन यहाँ आ जाएगा। तो वही बात यहाँ पर है, अगर आपको इस विचलन का मान निकालना है तो सबसे पहले तो एक त्रिभुज बना हुआ है, तो आप लिखोगे त्रिभुज ओ क्यू आर से, तो देखिए ये आ गया ओ, ये आ गया क्यू, ये आ गया आर, ये ऊपर वाले त्रिभुज की बात है। और जो रेड वाले भाग आपको विचलन के दिखाई दे रहे होंगे, तो आप लिखोगे त्रिभुज ओ क्यू आर प्लस त्रिभुज ए कोण क्यू आर ओ, तो अगर इन दोनों कोणों को जोड़ दिया जाए तो बाहर का विचलन आ जाएगा। तो ये अंतराभिमुख कोण है वैसे भी मान सकते हो, और इनका मान आप किस प्रकार से निकालोगे तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि टोटल ये यहाँ पर जो आई वन है कम्प्लीटली हम इसे भी आई वन मान सकते हैं, लेकिन इसमें से जैसे ही आप आर वन का मान घटाओगे तो वही मान बचेगा जो आपको ज्ञात करना है, जैसे मैंने यहाँ बताया है। तो ये कोण ज्ञात करने के लिए आपको आई वन में से आर वन, और ये कोण ज्ञात करने के लिए आपको आई टू में से आर टू को घटाना होगा, तो ये मान आ जाएगा विचलन। इस समीकरण को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, आई वन प्लस आई टू माइनस आर वन प्लस आर टू, ये आ गई समीकरण नंबर चार। अब यहाँ आप एक विशेष कंडीशन मानते हो कि अगर आप ऐसा मान लेते हो कि जो दोनों तरफ के आपतन कोण है आई वन आई टू उनका मान आई के इक्वल, आर वन आर टू इनका मान भी फिर आर के इक्वल होगा, और इस स्थिति में विचलन कोण का जो मान है वो आपको मिनिमम यानी न्यूनतम प्राप्त होगा। अगर इस कंडीशन को हम ग्राफ में देखें तो अगर आप अलग अलग आपतन कोण और विचलन कोण के बीच में ग्राफ खींचते हो तो प्रारंभ में आपको विचलन कोण ज़्यादा फिर कम, और एक स्थिति ऐसी आएगी जिस पर आपको विचलन कोण का मान न्यूनतम प्राप्त होगा। तो जिस जगह विचलन कोण का मान आपको न्यूनतम प्राप्त होता है कहा जाता है, उस स्थिति में आपतन और अपवर्तन दोनों का मान बराबर होता है। तो ये वाली जो कंडीशन है वो आप दोनों फॉर्मूले में अप्लाई करोगे, तो सबसे पहले आप लिखोगे समीकरण तीन से, तो जो R1 लिखा हुआ है इसकी जगह भी आप R लिखोगे, R2 की जगह भी R लिखोगे, बराबर मान आएगा A, ये कंडीशन आपके सामने। R प्लस R आ जाएगा 2R बराबर A, और R का मान यहाँ आ जाएगा A बाई 2, समीकरण पाँच। फिर आप ये कंडीशन अप्लाई करोगे समीकरण चार में, तो आप यहाँ लिखोगे समीकरण चार से, तो यहाँ देखिए आई वन प्लस आई टू लिखा हुआ है, तो वन टू हटाओगे तो मान आ गया यहाँ पर आई। फिर आर वन प्लस आर टू लिखा हुआ है, हटाओगे तो मान आएगा आर प्लस आर, और कंडीशन के अकॉर्डिंग ये आ जाएगा विचलन का न्यूनतम मान। आई प्लस आई को टू आई, और आर प्लस आर को यहाँ आप लिखोगे टू आर डेल मिनिमम, और 2R का मान आपके सामने लिखा हुआ है, ये प्रिज्म कोण के बराबर है, तो 2i माइनस a बराबर डेल मिनिमम, माइनस का a जैसे ही आप बराबर के दूसरी तरफ लेके जाओगे तो ये मान आ जाएगा यहाँ प्लस का a, और आपतन कोण का मान अगर आप ज्ञात करोगे तो मान आएगा डेल मिनिमम प्लस a बटा 2। तो इस प्रकार से आपने ये कंडीशन लागू करके अलग से अपवर्तन कोण और आपतन कोण दोनों का मान ज्ञात कर लिया। अब ये ज्ञात करने के लिए, यानी क्यों ज्ञात किया, क्योंकि आपको अब ऐड करना है अपवर्तनांक का मान, और अपवर्तनांक का जो मान है वो ऐड तभी होगा जब आप लिखोगे स्नेल के नियम से, और स्नेल का जो नियम है वो है आपतन कोण की ज्या व अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात माध्यम के अपवर्तनांक के तुल्य होता है। आई की वैल्यू भी दे रखी है आपको, आर की वैल्यू भी दे रखी है, तो आई का मान तो आ जाएगा डेल मिनिमम प्लस ए बटा दो, और आर का जो मान है वो आ जाएगा साइन ए बटा दो बराबर एन। तो कई बार आपको जब प्रिज्म का डेरिवेशन पूछा जाता है तो आपसे डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला व्युत्पन्न करवाया जाएगा,
ठीक है, डायरेक्टली कई बार इस फॉर्मूले को भी लिख देते हैं। और ये ग्राफ आपको जरूर पूछते हैं कि आपतन कोण और विचलन कोण के बीच में आप ग्राफ खींचते हुए किसी प्रिज्म के लिए जो ये फॉर्मूला है वो फॉर्मूला आप व्युत्पन्न करो।